टाइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मध्य प्रदेश से है। किसानों के भारत बंद आंदोलन का दिखा बड़ा असर, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने दिया समर्थन। बाजार के मुख्य स्थान रहे बंद, यातायात बाधित रहा। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की विधानसभाओं में अलग अलग देखने को मिला भारत बंद का असर। जैसे जौरा, कैलारस, सबलगढ़ आदि स्थानों पर किसानों की धरना प्रदर्शन की कार्यशैली देखने को मिली है। किसानों के द्वारा सरकार से मांग की गई है ठेका पद्धति की व्यवस्था समाप्त की जाए। इसके खिलाफ अखिल भारत किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 500 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए हैं, भारत बंद को व्यापक समर्थन भी मिला है। इस बंद को 24 वामपंथी धर्मनिरपेक्ष जनवादी पार्टियों, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक सहित कई दल शामिल हुए हैं। इस आंदोलन में जिले भर में बंद कराने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की टोली अलग अलग स्थानों पर बाजार बंद कराती हुई देखी गई। बाजार बंद का आह्वान पूर्णतः सफल रहा। मुरैना, जोरा, कैलारस, सबलगढ़ सहित बाजार बंद प्रभावी रहा। जोरा में यातायात बाधित रहा। इस बंद का नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल सदस्य, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष अशोक तिवारी, जिला सचिव ज्ञाराम सिंह धाकड़, महेश प्रजापति, पूर्व व्यापार मंडली अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ओम प्रकाश श्रीवास, जनवादी पूर्व पार्षद इब्राहिम शाह, एडवोकेट एकन शर्मा, नरेंद्र सिंह सिकरवार, गुड्डी बाई के अलावा बहुजन समाज पार्टी के नंदलाल खरे, प्रेम सिंह कुशवाहा, कांग्रेस से ब्रजमोहन मरेया, लक्ष्मी नारायण दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस साबिर पठान। इस दौरान हुई सभा को वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर काले कानून वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। मोदी सरकार के काले कानून वापस लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। जब तक सरकार किसानों के इस कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जिला संवाददाता जितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देशव्यापी भारत बंद जो बुलाया गया था, उसमें आपको कहां तक सफलता प्राप्त हुई और क्या संदेश आज के इस भारत बंद से गया? मोदी सरकार अपनी अटधर्मी के चलते तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को वापस नहीं ले रही है। उसके विरोध में किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 500 से ज़्यादा संगठन जुड़े हुए हैं, भारत बंद का आह्वान किया गया है और 24 राजनीतिक पार्टियों ने, वामपंथी धर्मनिरपेक्ष जनवादी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है। केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियनों ने, मुख्य ट्रेड यूनियनों ने समर्थन किया है। व्यापारिक संगठनों ने भी, एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। ये सबके चलते, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के समर्थन के चलते आज भारत बंद बहुत कामयाब रहा है। पूरे देश में अभूतपूर्व बंद है। हम मुरैना जिले के अंदर भी कैलारस, जौरा, सबलगढ़ में सभी जगह बंद की कार्रवाइयाँ की गई हैं। बहुत अच्छा बंद का आयोजन रहा है। हम जनता को बहुत बधाई देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी से हम मांग करना चाहते हैं, खेती किसानी को बर्बाद करने वाले, देश को तबाह करने वाले, व्यापारों को खत्म करने वाले इन कानूनों को वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, दिल्ली को घेरा जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कानूनों को वापस करने के लिए।